हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली है सौवीं, सौवीं मुरली आज आ गई है। बेहद के पेपर में पास होने का साधन, आज की मुरली का विषय है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। ये बाबा ने मुरली सुनाई थी 25 अप्रैल 1971 को। तो कल हमने पढ़ी थी 99, उसमें भट्टी की शुरुआत की थी, आज भट्टी की समाप्ति है। कल तो मुरली भट्टी की शुरुआत की थी ना, आज भट्टी खत्म हो रही है, वही भट्टी है जो कल हुई थी। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। समाप्ति है या पेपर देने जा रहे हो? जो भट्टी में सीखा उसका पेपर होगा ना अब तो, क्योंकि वहां तो भट्टी कर ली, पक गए। अब पक गए हो, जो संस्कार बना लिए उनका प्रैक्टिकल देने के लिए तो दुनिया में जाना पड़ेगा ना। अभी आप कहां जा रहे हो? पेपर हाल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हाल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। तब क्या दिखाएंगे? ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, ऐसे नहीं समझना अपने घर नहीं। बड़े से बड़ा कोर्स पास करके, बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वे हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज वा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फर्क होता है, पढ़ाई में भी फर्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती, उनकी अवस्था उनकी स्टेज तो उसी हिसाब से उनको मिलेगी ना, जितना वो प्रैक्टिकल में भी पास होंगे, थ्योरी में तो सारे पास हो जाएंगे। तो ये कॉमन बात नहीं समझना, भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहे हो, पेपर भी देते रहे हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। किसका पेपर है? बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? या तिलक भी लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद फेल हो जाए तो बाप दादा द्वारा तिलक भी लगवाया, छाप भी लगवाई,
सारा कुछ हो गया, ट्रेनिंग हो गई, कोर्स हो गया, उसके बाद फेल हो जाते तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग लग जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार वह अपनी चलन महसूस होती है तो आज के दिन में वे रहा हुआ दाग, वह कमजोरी की चलन, वह संस्कार मिटा कर जाना, जिससे कि पेपर हाल में जाए, पेपर में फेल ना होने पाए। समझा? वो पेपर तो दे दिया, वे तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर वा मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते। तो ये स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना, स्मृति को भी और दृष्टि दोनों को परिवर्तन करके जाना, क्योंकि मर के जा रहे हैं ना। बस आप जहां भी जाओगे वो सब आत्माएं हैं, और उनको मुझे क्या करना है, रूहानी सेवा दे। सेवा स्थान पर जा रहे हैं ना, सबकी रूहानी सेवा। दृष्टि भी बदलनी है और स्मृति। पहले हम अपने को देह समझते थे, अब हम अपने को समझेंगे मैं आत्मा हूं, और दृष्टि ये सब आत्माएं। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूं। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं, स्टूडेंट आत्मा। ये स्मृति वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना, ये भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना, जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही ये भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। ये बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता वे कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से ये भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। भविष्य वा वर्तमान पद की प्राप्ति वा सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। माया रावण क्या करती है? जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसी युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है और अंदर खाली हो जाता है। इस प्रकार
अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन अटेंशन, समझा? ये ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है, समझदारी, सेंस माना समझदारी भरनी है त्रिकालदर्शीपन की। ये क्या होती है, याद है? त्रिकालदर्शी कौन होता है? तीनों कालों को जानकर कर्म करने वाला, खाली जानता नहीं, तीनों कालों को जानकर कर्म करने वाला। तो कैसे करेगा वो तीनों कालों को जानकर? उसे मालूम है जो बीत गया वो पूछता, वो मेरे हाथ में है नहीं, मैं उसे चेंज कर नहीं सकता, भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में है सिर्फ वर्तमान, भूत की बातें सोचकर मैंने वर्तमान को बर्बाद नहीं करना, वर्तमान में मुझे हर सेकंड श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करने। तो समझो वो है त्रिकालदर्शी पन की सेंस। और दूसरा रूहानियत का इसेंस, दूसरा क्या है? रूहानियत का इसेंस, खुशबू के सब आत्माएं। जिस्मानी देखा तो दृष्टि में फर्क आएगा और रूहानी देखा तो दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगी? सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी। आप व्यवहार कुशल होकर उन्हें ज्ञान सेवा कर सकेंगे, तब तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस सेंस और एसेंस। सर्विस भी, सेंस भी और इसेंस भी। इसेंस बहुत सूक्ष्म होती है ना, तो यह रूहानियत का इसेंस है। त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और इसेंस कहां तक हर एक ने अपने अंदर भरी है वो चेक करना है। अभी समय है, जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते थे, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने का है। अभी समय है, जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ मैं तपस्वी कुमार भी हो, क्या दिखाई दो? हम ब्रह्मा कुमार तो हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार के साथ साथ क्या हैं? तपस्वी कुमार भी। वे अपने नयनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ, ना सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को ये धारणाएं विशेष रूप से करनी है।
भट्टी सक्सेस रही, पूछ रहे हैं बाप, भट्टी सफल रही। इनों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? अभी ना रहा, अभी कुछ नहीं रहा है बच्चों ने कहा। फिर कब रहेगा? अभी नहीं रहा, फिर कब रहेगा? ये अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो ये कह दे कह सकेंगे, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर ये भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोच कि हम कभी फेल अभी हैं, और जन्म जन्मांतर की गारंटी अभी है, जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास, इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं, ये विल पावर है, ये विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकेंड विल करने की पावर चाहिए। कौन सी पावर चाहिए? हर सेकेंड विल करने की विल पावर। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, बच्चे को सब कुछ विल कर देते हैं ना, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद के वारिस कौन है? मेरे बच्चे। जो कुछ होता है वो विल करते हैं, तो आप लोग भी वारिस बनते हो, बनाते हो और बनते भी हो, औरों को वारिस बनाते हो, खुद वारिस बनते हो। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सब कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। ये यहां से भर कर जाना, जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? नस्तु मोहा स्मृति लब्धा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं। बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? संगम युग का आपके पास खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? ये समय और संकल्प, ये आपके खजाने हैं ना। ज्ञान तो मैंने दिया, परंतु समय और संकल्प तो हर आत्मा के अपने हैं ना। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का ये खजाना समय और संकल्प,
इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वे इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। याद है, यही खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है, या कुछ जेब खर्च रखा है आई वेल के लिए, थोड़ा बहुत कोने में छिपाकर तो नहीं रखा? कोने में छिपाकर तो नहीं रखा? जेब बिल्कुल खाली है, कल भी कहा था ना, जेब बिल्कुल खाली है या कुछ छिपा के रखा हुआ है? कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया, आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिम चिम नजर आती है, तो खाली क्यों कहते? उस गीत में कहीं आई होगी लाइन, तो जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है, सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है, तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ब्रह्म शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, तो ये दोनों क्या हो गए? अव्यक्त। तो फिर तारों की रिमझिम, तारों की जो चमकाहट है वो दिखाई देगी। सूरज और चांद खड़े हो तो तारों की कोई वैल्यू? तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए, तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन ये ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते, साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति अव्यक्त साथी समझते हो। तो अब भी साथ साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है, बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए ये अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ हैं ही। पहले पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हो अधीर माता, तो गीत है क्यों हो अधीर माता, ये गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूं, लेकिन जो चाहे अनुभव करे, जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बन करके ही अनुभव कर सकते हैं। आपको भी अव्यक्त बनो तो अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक अनुभव कैसा है? अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा?
और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।